गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे SST का हिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर 2 अर्ली मैन। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे कि अर्ली मैन की लाइफस्टाइल उस टाइम पीरियड पे कैसे थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वो फार्मिंग करते थे, उनका डे टू डे लाइफ किस तरह से होता था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इमेज से भी देख सकते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवलिंग करते थे, किस तरह से कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करते थे, ये सारी चीज़ें। तो चलिए आज का जो क्लासेस है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी पिक्चर में देख चुके हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट इज शोन इन देम। तो इस पिक्चर में हम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है या किस तरह से ये लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग का काम हो रहा है या फिर घास कटिंग करने का काम चल रहा है, कृषि का, एग्रीकल्चर का, ये सारी चीज़ें, या कंदमूल ये इकट्ठे करने का, तो ये सब चल रहा है। तो ये सारी प्रोसेस थी अर्लियर टाइम पीरियड में, जब लोग जो है खाना पकाना नहीं सीखे थे, तो उस टाइम पीरियड पे कैसे उन लोगों का लाइफ जो है स्टाइल होता था और किस तरह से लाइफ स्टाइल तो होता ही था, इसके अलावा फूड को कैसे गैदरिंग करते थे, सभी लोग मिल करके किस तरह से फूड इकट्ठा करते थे, ये सारी चीज़ें हम इस पिक्चर में यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो आवर एंसेक्टर्स डिड नॉट लाइफ लाइक अस। तो थाउजेंड्स ईयर एगो की अगर हम बात करेंगे तो जो पुराने समय के लोग थे, आवर इंसेक्टर्स, वो हम लोगों की तरह लाइफस्टाइल नहीं सर्वाइव करते थे, उन लोगों का लाइफस्टाइल हमारे जैसे नहीं होता था। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का लाइफस्टाइल था, कैसे गुफा में रहते थे, और इतना ही नहीं, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड वुड कलेक्ट एंड ईट वाइल्ड बेरीज नट रूट्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करते थे, गुफा में तो रहते थे, जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहने के साथ साथ इनका मेन जो ये क्या काम करते थे, ये जंगल से कलेक्ट करते थे जंगली ईट जो है वाइल्ड बेरीज नट्स रूट्स एंड फ्रूट्स। दे वुड हंट एनिमल्स एंड ईट देयर मील्स मीट। तो ये एनिमल को हंटिंग करने का काम करते थे, साथ ही साथ ये क्या करते थे, उसका मीट को खाया करते थे। इस तरह से इन लोगों का लाइफस्टाइल जो होती थी, ऐसे ये सर्वाइव करते थे अर्लियर टाइम पीरियड पे। दिस डेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी ईट आर ग्रोन इन द फील्ड। इस समय हम काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी खाते हैं वो ज़्यादातर खेतों में ग्रो किया जाता है। बट इन दोज डेज फार्मिंग वॉज नॉट डन। तो उस टाइम पीरियड पे जो फार्मिंग था, वो किस तरह से खेती करना है, वो सारी चीज़ें जब पहले पता नहीं था, तो कैसे उन लोगों का लाइफस्टाइल होता था, कैसे सर्वाइव करते थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फार्मिंग के साथ साथ और हंटिंग वगैरह करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज में कि किस तरह से वो फूड गैदरिंग करते थे, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और इतना नहीं, ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में इकट्ठे रहा करते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ये स्मॉल ग्रुप के साथ में रहते थे और किस तरह से सर्वाइव करते थे। सो अर्ली मैन यूज टू लिव इन स्मॉल ग्रुप बट दे नाइदर बिल्ड हाउस नॉर बिल्ड एट वन प्लेस। ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे और छोटे छोटे ग्रुप में रहने के साथ साथ ये और क्या करते थे, ये तो ना तो घर बनाते थे उस टाइम पीरियड पे, और ना ही क्या करते थे, एक प्लेस पे सेटल डाउन होते थे। क्यों, वैन फ्रूट्स रूट्स स्प्रे एक्सेट्रा। ये वहाँ पे क्या करते थे, अर्ली मैन यूज टू लिव इन स्मॉल ग्रुप बट दे नाइदर बिल्ड हाउस नॉर लिव्ड एट वन प्लेस। ना तो ये घर बनाते थे, ना ही एक जगह पर रहते थे, और यहाँ एक जगह पर रह के वे क्या करते थे, फ्रूट्स रूट्स ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हीं को खा करके जीवन यापन किया करते थे, सर्वाइव किया करते थे। वुड फिनिश इन द फॉरेस्ट, जब ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट में ख़त्म हो जाती थी जिस जगह में वो रहते थे, दे ग्रुप वुड मूव टू, ये ग्रुप क्या करता था, वहाँ से मूव कर लेता था, और मूव करके क्या करता था, अनदर प्लेस, वो वहाँ से दूसरे जगह में चला जाता था। तो इस तरह से इन लोगों का लाइफस्टाइल होता था, जहाँ पर अच्छे से खाने पीने को मिल रहा है वहाँ पर रहते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करते थे कि अगर सारे फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए तो उस कंडीशन में वो उस जगह से दूसरी जगह को क्या करते थे, मूव कर लेते थे। दे केप वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह से ये क्या करते थे, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना या फिर भ्रमण करना या भटकना।
फ्रॉम वन प्लेस थ्रू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. ये भोजन की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे वॉन्डरिंग करते रहते. दे वुड यूज टू लीव बार्क ऑफ ट्री एंड एनिमल्स स्किन टू कवर देयर बॉडीज. ये क्या, दे वुड यूज लीव्स बार्क ऑफ ट्री एंड एनिमल्स स्किन टू कवर देयर बॉडीज. तो मोस्टली जो अर्लियर टाइम पीरियड के जो लोग थे वो कैसे रहते थे या अपने बॉडी को किस तरह से कवर करके रखते थे, जैसे हम लोग अभी कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे उन लोग अपने स्किन को कैसे कवर अप करके रखते थे. तो मोस्टली ये लोग लीव का यूज़ करते थे, साथ ही साथ बार्क ऑफ ट्री दैट मीन्स पेड़ के छाल का यूज़ करते थे, एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर अप करने के लिए. साथ ही साथ बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स मेड आउट ऑफ वुड. ऑर्नामेंट्स दैट मीन्स आभूषण, गहने जो हम पहनते हैं ना आजकल, वो सारे ऑर्नामेंट्स मैन और वुमेन जो उस टाइम वुड से बने हुए ऑर्नामेंट का यूज़ करते थे. सेल्स का बना होता था, बोन्स शाइनिंग स्टोन्स ये सारी चीज़ों से बनी होती थी ऑर्नामेंट्स, उसका प्रयोग करते थे. तो ये खास चीज़ें हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोन टूल्स, दैट मीन्स पत्थर से किस तरह से उन लोगों ने टूल्स बनाना स्टार्ट किया. टूल्स मीन्स यहाँ पे औजार. तो चलिए हम देखते हैं. इन दोज डेज पीपल वर नॉट फैमिलियर विथ मेटल्स लाइक आयरन ब्रॉन्ज. उस टाइम पीरियड पे ये जो लोग थे, पीपल्स आर नॉट फैमिलियर विथ मेटल्स लाइक आयरन एंड ब्रॉन्ज. तो ये लोहे का या फिर ब्रॉन्ज का उस टाइम पे परिचित नहीं थे पीतल की इन सारी धातुओं से. तो उस टाइम पीरियड पे दे वुड यूज़ स्टोन. वो क्या यूज़ किया करते थे, स्टोन को यूज़ किया करते थे. विच दे कुड ईजिली फाइंड अराउंड देम. वो ईजिली अपने आसपास के चारों तरफ उन्हें आसानी से मिल जाता था. दिस पीस ऑफ स्टोन वॉज देयर फर्स्ट टूल एंड वेपन्स. तो ये पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ये इनके फर्स्ट टूल्स बने, या उनका क्या बना, पहला औजार बना. एंड दे वुड गिव शेप ऑफ द स्टोन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जैसे उन्हें ज़रूरत रहती थी उसी तरह से उस स्टोन को क्या करते थे, वैसा शेप दिया करते थे. अर्लीस्ट टूल्स वेयर मेड बाई चिपिंग स्टोन. तो उस टाइम पीरियड पे जो चिपिंग स्टोन होते थे, पत्थरों से चिपियाँ निकालकर औजार बनाने का काम करते थे. बाद में लेटर स्मॉलर चिपेस्ट वेयर फिक्स्ड ऑन वुड और बोन टू मेक यूजफुल टूल्स. तो उन्हें बाद में क्या किया जाता था, या तो बोन्स के साथ में या फिर वुड मतलब लकड़ी के साथ में उसको फिक्स कर दिया जाता था. जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा ये वाला पार्ट चिपिंग स्टोन, और ये हमारा या तो ये लोग बोन का यूज़ किए होंगे या फिर वुड का, इस तरह से फिक्स करने का काम करते थे. जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, सारे औजार में वुड को फिक्स किए रहते हैं ना, जिसको आम लैंग्वेज में बेड बोलते हैं. तो ठीक उसी तरह से ये लोग भी उसी टाइम पीरियड से, अर्लियर टाइम पीरियड से फिक्स करके उसे अपने अकॉर्डिंगली जैसा उन्हें ज़रूरत होता था यूज़ करते थे. टूल्स विच कैन बी इजली हेल्ड इन हैंड लाइक हमर स्पेयर एक्स एक्सेट्रास. ये जो टूल्स होते थे ना, आसानी से हाथों से पकड़े जाने वाले होते हैं, हमर हथौड़े कुल्हाड़ी बसूले इस तरह के जो औजार होते थे वो इजली इस तरह से फिक्स किए होते थे वुड के साथ में या बोन्स के साथ में कि आसानी से उसे पकड़ करके हम यूज़ कर सकते थे. वर मेड, तो ऐसे उसे बनाया जाता था. सो नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू देखेंगे. फॉर हंटिंग दे मेड बॉ एरो एंड स्पेयर विथ पॉइंटेड स्टोन. तो ये नुकीलो पत्थरों से क्या करते थे, फॉर हंटिंग दे मेड एरो तीर, एक तरह से तीर बनाते थे हंटिंग करने के लिए. अब दूर से किसी जानवर को मारना है तो ये हमारा चिपिंग स्टोन से बना हुआ औजार से तो हम नहीं कर सकते ना, तो नोक वाले पत्थरों का यूज़ तो करते ही थे, तीर बनाते थे, साथ ही साथ भाले बनाते थे. विथ पॉइंटेड स्टोन बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स. हॉर्न्स बोलने से सिंग, एनिमल का सिंग्स.
वेयर ऑल्सो यूज एज वेपन, तो उसे भी किस तरह से यूज करते थे, एज अ वेपन की तरह यूज करते थे। टूल्स वेयर यूज फॉर गैदरिंग फूड, टूल्स को क्या किया जाता था, मोस्टली फूड को गैदर्ड करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा और क्या खास चीज़ें करते थे, डिगिंग द अर्थ, अर्थ को खोदने के लिए, धरती को खोदने के लिए यूज़ किया जाता था। पुलिंग आउट रूट एंड ट्यूबर्स एंड स्किनिंग एनिमल्स, तो इसके लिए ये क्या करते थे, कोई जड़ वाला कंदमूल होता था उसको बाहर निकालने के लिए वो उसका यूज़ करते थे, साथ ही जानवरों के खाल को उतारने के लिए, स्किनिंग एनिमल्स, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा टूल्स था और ये टूल्स कैसे चिपिंग स्टोन से बने हुए थे। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं कि इस तरह का इजीली यूज़ किया जाने वाला, और जो चिपिंग स्टोन होते थे उससे ये टूल्स बनाते थे, और इन सारे टूल्स में वुड या फिर बोन्स को फिक्स कर देते थे, तो और इजीली और अच्छे तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टूल्स अर्लियर टाइम पीरियड के समय का, इस तरह से हमारा टूल्स था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि टूल्स तो अर्लियर टाइम पीरियड पे मेन जो है बनाना सीख गया। अब आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ फायर, किस तरह से आग का यूज़ करना इन्होंने सीखा, यूज़ ऑफ फायर, और आग का उपयोग कैसे स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे अवधारणाएं हैं कि इस तरह से आग की उत्पत्ति हुई, इस तरह से ऐसा करके, लेकिन हम जब अपनी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे लोगों को जब आग की हमें नॉलेज नहीं थी तो कैसे उन सारी चीज़ों की खोज हुई। इन इट इज़ बिलीव दैट आइदर व्हेन टूल्स वेयर मेड और इन सेम अदर वे व्हेन टू स्टोन स्टक टुगेदर स्पार्किंग मस्ट हैव टेकन प्लेस। उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, जो अर्लियर मैन थे वो दो स्टोन को एक साथ स्टक किए, मीन्स दोनों पत्थरों को एक साथ टकराए, और इस तरह से टकराने से क्या हुआ, स्पार्किंग मस्ट हैव टेकन प्लेस, और वो दोनों पत्थर आपस में स्पार्क किए और स्पार्क करके टेकन प्लेस, दैट मीन्स वो चिंगारी निकले, और जिससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ड्राइड लीव्स एंड ग्रास मस्ट हैव कैच फायर। तो वो जो सूखे पत्ते थे और जो घास थे, सूखे घास थे, उन्होंने क्या कर लिया, आग पकड़ लिया। दिस वे एक्सीडेंटली अवर एंसेक्टर्स डिस्कवर्ड हाउ टू लाइट फायर। तो इस तरह से यहाँ पे आग की खोज होती है कि आसपास के हमारे सूखे पत्ते यहाँ पे जलने, स्पार्किंग होने से हमारे जो पूर्वज लोगों ने आग की खोज इस एक्सीडेंटली तरीके से उन्होंने खोज की। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड यूजिंग फायर इन सेवरल वेज टू स्केव अवे वाइल्ड एनिमल्स, टू रोस्ट मीट, टू प्रोटेक्ट वैली। मैन स्टार्टेड यूजिंग फायर इन सेवरल वे टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स द रोस्ट मीट टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ इन विंटर। तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे इन लोगों ने आग का यूज़ करना शुरू किया, वो जंगली जानवरों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूर भगाने के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, इसके अलावा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर से अपने आप को बचाने के लिए, इस तरह से ये आग की खोज हुई और आग का ऐसा यूज़ होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट, मीन्स कैसे पता करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट, डू यू नो दैट इवन टुडे देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ये उस टाइम पीरियड पे क्या होता था कि लोग जो है डिपेंड होते थे फॉरेस्ट पे, और फॉरेस्ट पे डिपेंड होने के साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे, जस्ट वेट, डू यू नो दैट इवन टूडे देर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। लोग किस पे डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट पे। दे डू नॉट सेटल डाउन परमानेंटली इट वन प्लेस एंड कीप वॉन्डरिंग इन सर्च
ऑफ फूड, ये फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या किया करते थे, वॉन्डरिंग किया करते थे, एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होते थे। दे ईट रूट्स, ट्यूबर्स, वाइल्ड बेरीज, फ्रूट्स एंड इवन गो ऑन हंटिंग। ये जंगली कंदमूल, ये सारी चीज़ों को, बेरीज को, फ्रूट्स को खाया करते थे। साथ ही साथ ये क्या करते थे, इवन गो ऑन हंटिंग, ये शिकार करने के लिए भी जाया करते थे। इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ लाइक बस्तर एंड सरगुजा, छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट एरिया है, और वो फॉरेस्ट एरिया कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, बस्तर एंड सरगुजा, द लाइफ ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर वाले क्षेत्र में जो पीपल्स रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हंटिंग करने का काम करते हैं, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारी चीज़ों को गैदरिंग करने का इन लोगों का मेन काम होता है। द स्टडी ऑफ देयर लाइफ स्टाइल हेल्प अस इन इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। उस टाइम पीरियड में अर्ली मैन कैसे अपना लाइफ को सर्वाइव करते थे, इन सारी चीज़ों को हम ये हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को जानने को मिलता है। बिसाइड दिस सेवरल थिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन लाइक स्टोन टूल्स एंड वेपन्स मेड आउट ऑफ बोन ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रास। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब एक्सक्वेशन किया गया, मीन्स खुदाई करने से हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इवन टुडे वी कैन सी सेवरल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कैव्स। जो दीवारें होती हैं गुफाओं के, उसमें भी काफ़ी सारी हमें क्या मिला, कैव्स में सेवरल पिक्चर्स। वी कैन सी सेवरल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कैव्स विच वर मेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो हम आजकल भी देखते हैं कैब में, गुफाओं में, कि उसके दीवार में काफ़ी सारी पिक्चर्स बने हुए हैं, वो हजारों साल पहले से बनाए हुए हैं। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द अर्लियर मैन। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करते हैं कि अर्लियर टाइम पीरियड पे कैसे लोग जो है सर्वाइव करते थे, किस तरह से उन लोगों का लाइफ स्टाइल होता था। ग्रुप लाइफ, इन लोग जो है समूह में कैसे जीवन यापन करते थे, ग्रुप लाइफ। अर्लियर मैन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, तो वो छोटे छोटे ग्रुप में रहा करते थे। एंड हैड अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, ये एक दूसरे को क्या करते थे, आपसी सहयोग की भावना से रहते थे। वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड कलेक्ट फूड, फ्रूट्स, बेरीज एंड ग्रेन्स। तो ये बच्चे लोग और महिलाएं जो होती थीं वो क्या करते थे, कलेक्ट करने का काम करते थे, फ्रूट्स, बेरीज एंड ग्रेन्स एक्सेट्रास। मैन वुड हंट टुगेदर, मैन जो थे उस टाइम पीरियड पे, जो पुरुष वर्ग के लोग होते थे वो हंटिंग करने का काम करते थे, एक साथ मिल करके हंटिंग करते थे। समटाइम बोथ मैन एंड वुमेन वुड हंट टुगेदर एंड इवन कलेक्ट बेरीज। कुछ समय क्या हुआ कि मैन और वुमेन सब लोग आपस में जाके मिल करके हंटिंग करते थे और ये बेरीज वगैरह कलेक्ट करने का काम करते थे। दिस वे वॉट एवर दे गॉड वुड बी शेयर्ड बाई ऑल। तो जो भी इन लोगों को मिलता था वो क्या करते थे, एक दूसरे को, दिस वे वॉट एवर दे गॉड वुड बी शेयर बाई ऑल, सब एक दूसरे को आपस में शेयर करते थे, शेयरिंग करके उसको खाते पीते थे। नथिंग वॉज सेप्ट, कुछ भी बचा करके नहीं रखते थे। एवरी वन हैड इक्वल राइट्स ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में जो भी चीज़ें उन्हें मिलता था, सब लोगों को समान अधिकार होता था। नो वन वॉज रेस और पुअर, उस टाइम में कोई धनवान नहीं होता था और ना ही कोई उस समय गरीब होता था। देर वॉज नो डिवीजन ऑफ वर्क, उस टाइम पीरियड पे किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं था कामों के बीच में, कि आप इस तरह का काम करेंगे, ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पीरियड पे जो कपड़ा सिलने का काम करता है, उन सारे ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया कि आप मोस्टली इस टाइप के ऐसा ऐसा काम करेंगे ऐसे करके, लेकिन अभी अर्लियर टाइम पीरियड पे ऐसा कोई डिवीज़न नहीं था, सारे लोग एक साथ मिलके सेम वर्क को किया करते थे। एवरीवन वुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क लाइक मेकिंग स्टोन टूल्स, हंटिंग, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड बेरीज एक्सेट्रास। तो सभी लोग लगभग सेम टाइप के वर्क्स को वर्क किया करते थे। तो ये थी खास चीज़ें, और इस तरह से ये ग्रुप में रहा करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी रिलीजियस ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स, कैसे वो धार्मिक रीति रिवाज किस तरह से था और क्या क्या इन लोगों की मान्यताएं थी।
तो चलिए हम देखते हैं कि अर्ली मैन वॉज वेरी क्लोज टू नेचर एंड बिलीव टू दे वेर रिलेटेड टू प्लांट्स ट्रीज बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रास। तो ये अर्लियर टाइम पीरियड के लोग जो थे नेचर से प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बहुत ज़्यादा उन नेचर पे बिलीव करते थे, विश्वास था इन लोगों का और ये प्लांट्स ट्री बर्ड्स एनिमल इन सारी चीज़ों को वर्शिप किया करते थे। दे हैड फैट इन गॉड, इन लोग गॉड में क्या रहता था, इन लोग भरोसा रहता था, विश्वास करते थे देवी देवताओं पर, विश्वास करते थे और ये दे बिलीव्ड दैट ही गॉड्स वेयर प्लीज्ड दे वुड गेट गुड थिंग्स टू इट। अब इन लोगों का क्या बिलीव सिस्टम होता था कि अगर ये देवी देवताओं को प्लीज करते हैं मतलब खुश करते हैं, खुश करने से अच्छा शिकार और अच्छा खाने की हमें वस्तुएं मिलेगा, ऐसा करके इन लोगों का बिलीव सिस्टम था। टू प्लीज गॉड दे वुड सिंग एंड डांस, और ये अपने गॉड को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करते थे, सिंगिंग करते थे और साथ ही साथ डांसिंग करते थे। इतना ही नहीं, दे वुड ऑल्सो इनेक्ट हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, साथ ही साथ ये नाश्ते करते थे और इनमें वे जानवरों का शिकार करने का अभिनय भी करते थे। इनेक्ट करना मतलब इन एक्ट प्रैक्टिस करते थे कि हम किस तरह से एनिमल्स का हंटिंग करेंगे, ऐसे करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, विथ दिस फैद दे ड्रॉ कलरफुल पिक्चर ऑन द कैव वॉल्स। तो गुफाओं में जो भी वॉल्स होते थे उन वॉल्स में क्या करते थे, कलरफुल पिक्चर्स बनाते थे इन कैव वॉल्स। दे माइट हैव बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग सक्सेस इन देयर हंटिंग, और ये पिक्चर बनाते थे और क्या बिलीव करते थे कि ये उनके शिकार करने में सक्सेसफुल होगा। मीन्स इमेजिनेशन पावर, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं घर में, विजुलाइज करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है तो इसे इस तरह से करूँगा ऐसे करके, तो वो उनको शिकार करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता था, ऐसा वे मानते थे। रॉक पेंटिंग्स ऑफ द अर्ली मैन हैव बीन फाउंड इन द कबरा हिल एंड सिंगनपुर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कबरा हिल और साथ ही साथ हमारा सिंघनपुर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इस तरह का कैब में पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हुए हैं। एंड द कैब ऑफ चितवा डोंगरी, इसके अलावा द कैब ऑफ चितवा डोंगरी एंड डोंडी लोहारा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग डिवीज़न है ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, चितवा डोंगरी और डोंडी लोहारा वाला एरिया, उस एरिया में भी इस तरह के कैब में हमें पिक्चर्स मिले हुए हैं, पेंटिंग्स मिले हुए हैं। दिस ड्राइंग्स आर कलरफुल, ये सारे ड्राइंग्स कैसे थे, कलरफुल थे। देयर आर ड्राइंग्स ऑफ एलिगेटर्स, घड़ियाल, लेजार्ड एंड अदर एनिमल्स, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स का पिक्चर्स भी ड्रॉ किए होते थे। द ड्राइंग्स इन द सिंघनपुर, और ये जो रायगढ़ वाला एरिया है सिंघनपुर, ये सिंघनपुर में कैसा ड्राइंग्स मिला हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं द ड्राइंग्स और सिंघनपुर कैब्स आर ऑफ डीप रेड कलर। तो सिंघनपुर में जो पिक्चर्स मिले हुए हैं वो डीप रेड कलर का पिक्चर्स मिले हुए हैं। हुमैन फिंगर्स एंड सेवरल अदर लाइन ड्राइंग कैन बी सीन टू, इसके अलावा मानव का फिंगर्स भी वहाँ पे देखने को मिला है और बहुत सारे लाइन भी ड्रॉ हुए हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो डिपेक्टेड, एनिमल को हंटिंग करते हुए भी पिक्चर में बनाया गया है। स्केचेस लाइक दैट ऑफ द लैडर इज अ स्पेशली ऑफ दिस ड्राइंग, तो इस ड्राइंग में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, कैसे इन लोगों ने शिकार किया, किस किस तरह के, और साथ ही साथ लैडर बोलने से वो जो सीढ़ीनुमा आकृति है, या इस तरह की पिक्चर्स भी यहाँ पर दिखाए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये उस टाइम पीरियड की पिक्चर्स थी, कैसे कैब में बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमल्स और साथ ही साथ सीढ़ीनुमा आकृति, लैडर्स, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड पर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट दिस अर्थ विच द अर्ली मैन हैड एक्वायर्ड, तो बहुत सारे नॉलेज जो इस टाइम पीरियड के, अर्लियर टाइम पीरियड का जो नॉलेज है, विथ हिज हार्डवर्क एंड विजडम हैज़ बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस, तो वो किस तरह से हार्डवर्क करते थे, कैसे उसकी विजडम थी, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करता है।
दे हैड फाउंड आउट विच फ्रूट एंड प्लांट्स आर एडेबल. वो किस तरह से फाइंड आउट करते थे कि कौन सा प्लांट जो है खाने योग्य है, एंड विच प्लांट्स हैव मेडिसिनल, तो कौन सा प्लांट जो है मेडिसिनल है, मेडिसिन के लिए हमें यूज़ करना है वैल्यू, एंड विच प्लांट्स आर मेडिसिनल एंड विच प्लांट्स आर पॉइजनस, कौन सा जो प्लांट है वो जहरीला है. ये सारी चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट करते थे. दे हैड कंट्रोल ओवर फायर, और कैसे ये उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, आग ये सारी फायर इनसे ये कंट्रोल करते थे. और दे फाउंड आउट ऑफ राइट टाइप ऑफ वुड एंड स्टोन टू मेक वेपन्स, और कौन से वुड का हम यूज़ करेंगे तो बेस्ट वेपन्स बनेगा, या कौन सा स्टोन का यूज़ करने से, ये सारी चीज़ें वो उस टाइम पीरियड पे अर्लियर टाइम पीरियड पे इसे फाइंड आउट करके रखे हुए थे. हाँ, हम कौन से वुड या कौन से लकड़ी से औजार बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से वो वर्क करेगा. दे फाउंड द वेज टू आइदर थिक फॉरेस्ट, ये क्या करते थे, वेज टू एंटर थिक फॉरेस्ट, सॉरी. सो दे रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स, वो डेंस जो फॉरेस्ट होता था वहाँ जाते थे और रिकॉग्नाइज करते थे क्वालिटी ऑफ प्लांट्स की, प्लांट्स की क्वालिटी, ट्री एंड एनिमल्स, एंड ऑन द बेसिस स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. इसके अलावा वो धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन पशुपालन करना शुरू किया. तो ये थी हमारी अर्लियर टाइम पीरियड. इतने नहीं, इन लोगों ने बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो कैसे खेती और पशुपालन करना शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. अबाउट 10,000 ईयर एगो चेंज एंड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन ऑफ फूड गैदर्स. तो अर्ली मैन उस टाइम पे फूड को इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करेंगे. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स, तो ये पशुओं को पालन करना शुरू कर दिए और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए. नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिकेशन एनिमल्स. द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वॉज द डॉग, पहला जो जानवर था जो पालन किया गया अर्लियर टाइम पीरियड पे वो था, एनिमल था वो डॉग था. डॉग्स वुड ईट द लेफ्ट ओवर फूड एंड हेल्प इन हंटिंग, तो ये जो डॉग था वो क्या करता था, जितना भी बचा हुआ खाना होता था वो तो खा लेता था और शिकार करने में भी हेल्प करता था. आफ्टर दिस अदर एनिमल्स लाइक शीप गोट एंड काउज वेयर ऑल्सो डोमेस्टिकेशन, इसके बाद धीरे धीरे शीप गोट एंड काउ ये सारी चीज़ों को भी डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया धीरे धीरे. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे इन्होंने स्टार्ट किया. सो वी हैव सीन दैट इनिशियली देर वॉज नो एग्रीकल्चर, उस टाइम पीरियड पे अर्लियर टाइम पीरियड पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता था. मे बी दैट देर वॉज नो नीड ऑफ इट एज दे वुड इजली गेट सफिशेंट अमाउंट टू ईट, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होने से खाने के लिए सफिशेंट अमाउंट से फूड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलता था. बट लेटर ऑन दैट इज अबाउट 10,000 ईयर एगो, लगभग 10,000 ईयर एगो की बात हो रही है यहाँ पे, सेवरल ग्रुप्स हैड स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स, धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स में थे ऑलरेडी अर्लियर टाइम पीरियड के मेन रोमैन रहा करते थे, तो ये ग्रुप क्या करने लगे, प्लांट्स लगाने लगे. साथ ही साथ दे हैड लर्न दैट द ग्रोन अवे सीड एंड ग्रेन्स ग्रो अगेन इंटू प्लांट्स, तो ये बीज को किस तरह से बोना है ये सारी चीज़ों को सीखे, और ये प्लांट बोने के बाद ये कैसे ग्रो अप होकर के प्लांट्स बनते हैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ये सब कुछ सीख रहे थे. नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोली एग्रीकल्चर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर जो है स्प्रेड हुआ, मतलब फैलता गया ओवरऑल वर्ल्ड में. इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड अबाउट 5,000 to 6,000 ईयर एगो, तो उस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, 5,000 to 6,000 ईयर एगो, तो इस टाइम पीरियड पे जो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियली फार्मिंग वॉज नॉट अ परमानेंट
वन दैट इज सोविंग द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन. वो एक ही जगह को कई बार 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 तो बो रहे थे. लेकिन अ पैच ऑफ द फॉरेस्ट वुड बी क्लीन ऑफ फार्मिंग वुड बी डन फॉर 2 or 3 years. ये 2 से 3 साल तक वो फार्मिंग को क्या करते थे, क्लीन करते थे, और क्लीन करने के बाद में फिर से वहाँ पे फार्मिंग करते थे. बट क्या होता था, देन दिस पीस ऑफ लैंड वुड बी लेफ्ट एंड अ न्यू वन वुड बी क्लियर फॉर एग्रीकल्चर. ये 3 साल 4 साल तक वहाँ पे खेती करते थे, फिर उस जगह को छोड़ करके अगर अच्छा सा ग्रोविंग नहीं हो रहा, अच्छा सा फार्मिंग नहीं हो रहा, ठीक से उत्पादन नहीं होता, तो दूसरे जगह को फिर से जा करके क्लीन करके ऐसा करते थे. सो दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और अगर हिंदी में बोलें तो उसी को बोला जाता है झूम एग्रीकल्चर. तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर होता था उसको क्या बोला जाता था, कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. एक जगह खेती किए कुछ साल तक, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उसी को बोला जाता है झूम एग्रीकल्चर. इवन अबाउट 50 to 100 years ago, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर was practiced especially in the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. वो झूम एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता था 50 से 100 साल पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में. नॉर्थ ईस्ट साइड में इस तरह की खेती होती थी. एंड अदर ट्राइब एरिया जहाँ पर ट्राइब लोग रहते थे, वो आदिवासी लोग, उन लोग इस तरह की शिफ्टिंग खेती करते थे. इट इज स्टिल इन वोग्यू ऑन सम प्लेस स्पेशली इन द ट्राइब एरिया ऑफ बस्तर एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. अभी भी इस तरह की सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा खेती अभी भी चल रही है. तो विशेष करके छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, बस्तर सरगुजा के सघन आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की झूम खेती अभी भी होता है. बस्तर वाले या सरगुजा वाले इस तरह की शिफ्टिंग वाली खेती या फिर झूम एग्रीकल्चर ऐसा अभी भी करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट. कैसे ये परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट किए, पहले तो वॉन्डरिंग करते थे एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन अब परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, जब ये परमानेंट सेटल डाउन होंगे तो कैसे किस तरह से इन लोगों के लाइफ में चेंजेस आता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. परमानेंट स्थायी रूप से बसने लगे, जैसे कि अभी हम क्या है एक जगह घर बना लेते हैं वो परमानेंट हमारा घर रहता है, लेकिन रेयर टाइम पीरियड पे लोग क्या करते थे, बस फार्मिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसा ये वॉन्डरिंग करते रहते थे. तो चलिए हम देखते हैं कि परमानेंट सेटल डाउन इनकी कि अ लार्ज चेंजेस कैम इन द लाइव्स ऑफ पीपल आफ्टर दे स्टार्ट फार्मिंग. जब इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया तब इन लोगों के लाइफ में ये सारी चेंजेस आया. द कल्टिवेटेड एरियाज स्टार्टेड एक्सपॉन्डिंग. और इनका जो कल्टिवेटेड एरिया होता था कि जहाँ पर वो ज़्यादातर खेती करते थे, वो खेती का इलाका जो है धीरे धीरे करके वो फैलता गया, एक्सपैंड होते गया. और दे वुड स्टिल गो फॉर हंटिंग. लेकिन ये क्या करते थे, अभी भी हंटिंग के लिए जाते थे. दे वुड स्टिल गो फॉर हंटिंग बट नाउ इट वॉज नॉट नेसेसरी टू वॉन्डर फॉर फूड. अब ये क्या हो गया, इतना आवश्यक नहीं हो गया कि फूड के लिए इधर से उधर वॉन्डरिंग करना पड़े, भटकना पड़े. नाउ पीपल स्टार्ट सेटलिंग परमानेंटली. अब लोग जो है क्या करने लग गए, अब आसानी से भोजन मिल गया तो अब अपने आप को परमानेंट सेटल डाउन करना शुरू कर दिए. वन प्लेस बिलीव ऑफ फार्मिंग दे हैड टू लिव बिकॉज ऑफ फार्मिंग दे हैड टू लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब खेती करने के लिए अब इन्हें क्या करना पड़ गया, एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ गया. ए सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वुड टेक क्वाइट सम टाइम. अब किसी भी चीज़ को सो करना मतलब बोना, और हार्वेस्ट करना मतलब काटना, इसमें थोड़ा सा चार से छः महीना एटलीस्ट लग ही जाता है. तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग समय था. सो पीपल हैड टू वर्क ऑन द फील्ड. तो लोग वहाँ पे क्या करने लगे, फील्ड पे तो काम करने लगे. एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप. तो फील्ड में काम करते थे और अपना जो फसल होता था उसका टेक केयर करते थे. व्हेन हार्वेस्टिंग वुड बी ओवर दे नीड टू स्टोर इट फॉर फ्यूचर. जैसे ये हार्वेस्टिंग ख़त्म होता था मतलब फसल की कटाई ख़त्म होती थी, ये उसे क्या करते थे, फ्यूचर के लिए स्टोर करते थे. दे वुड टू टेक स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़ ऑल्सो. ये फ्यूचर में उसे
यूज़ करना है करके उसे स्टोर करते थे. सो पीपल स्टार्ट बिल्डिंग हाउसेस एंड सेटलिंग डाउन नियर देयर फील्ड. अब इस तरह से अब उन्हें सारे प्रोडक्शन प्रोडक्ट किए हैं या हार्वेस्टिंग किए हैं उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अब घर में एक जगह इकट्ठा करके रखना है. अब पहले तो घर बनाए नहीं थे, अब बहुत सारा अनाज का उत्पादन हो रहा है तो उन्हें स्टोर करना है फ्यूचर के लिए. तो अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, स्टार्ट बिल्डिंग हाउसेस एंड सेटलिंग डाउन नियर देयर फील्ड. तो जहाँ पर उसका खेत होता था उसी के आसपास में वो लोग सेटल डाउन होने लग गए. द हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड मड ग्रास लिप्स एक्सेट्रा. तो उस समय का जो घास होता था घर होता था घास से मिट्टी से पत्तों से इस तरह की इन सारी चीज़ों से बनाया जाता था. हाउस वुड बी नियर स्ट्रीम्स रिवर एंड लेक. और वो उस टाइम पीरियड का जो घर बनता था वो सारी चीज़ें ज़्यादातर वाटर के किनारे पे या कोई रिवर है इस तरह के आसपास में ही बनाया जाता था. नेक्स्ट देखते हैं, दे सराउंडेड देयर हाउस बाय कॉमन फेंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. तो अपने घर को इस तरह से अपने बनाए रहते थे कि वाइल्ड एनिमल से जंगली जानवरों से बच सकें. और वो जो बस्ती होता था ना गाँव का बस्ती, सराउंडेड देयर हाउसेस बाय द कॉमन फेंस, फेंस बोलने से गाँव वाली बस्ती, फॉर प्रोटेक्ट फॉर वाइल्ड एनिमल्स. फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन दे स्टार्टेड मेकिंग बिग वैसल. वैसल मीन्स बड़ा बड़ा घड़ा बनाने लगे, उसमें स्टोर करना है अब उन्हें ग्रेन्स को. यूटेंसिल्स एंड स्टोव्स वेर मेड टू बॉयल मिल्क एंड कुक फूड. स्टोव्स भी बनाना उस टाइम पीरियड पर स्टार्ट कर दिए थे कि इससे उन्हें क्या करना है, मिल्क को बॉयल करना है और खाना को पकाना है. ग्राइंडिंग स्टोन्स वेर मेड टू ग्राइंड ग्रेन्स. अब स्टोन से पत्थरों से वो ग्राइंडिंग स्टोन्स बनाए, मीन्स हम लोग अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, जाँता, कि वो अनाज को ग्रेन करना है. और अभी तो मिल आ गया है ना, मशीन आ गया है. तो दिस वे इज दिस पीरियड पीपल हैड स्टार्टिंग मेकिंग सेवरल न्यू थिंग्स. तो इस टाइम पीरियड पे धीरे धीरे करके नई नई चीज़ें जो है इन्वेंशन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है. ये सारी चीज़ों से पहले अर्लियर टाइम पीरियड पे अनजान थे. पीपल वर्शिप अर्थ एंड नेचर एंड कंसिडर्ड इट टू हैव सुपर नेचुरल पावर्स एंड रिप्रेजेंट द मदर गॉडेस. तो ये पीपल क्या बोलते थे कि ये नेचर का अर्थ का वर्शिप करते थे और ये कंसिडर्ड करते थे कि इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर होता है मदर गॉडेस के पास. सो टू प्लीज हेल्प पावर्स दे परफॉर्म पूजा सॉन्ग्स एंड डांस एंड सेक्रीफाइस्ड एनिमल. तो अपने गॉड को खुश करने के लिए ये लोग क्या करते थे, प्लीज करना मीन्स अपने गॉड को खुश करना. तो अपने गॉड को खुश करने के लिए ये परफॉर्म करते थे पूजा वगैरह कराते थे, सॉन्ग्स एंड डांसिंग इस तरह के, और साथ ही साथ सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स को. तो ये थी हमारी चैप्टर 2. आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा. और इसके अलावा आपका किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.